सीएम भूपेश बघेल मंगलवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीटिंग बुलवाई है। सीएम भूपेश बघेल उस मीटिंग में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने एक घंटे में हस्ताक्षर की बात कही थी। बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होने पर सीएम भूपेश ने कहा कि पहले किसानों को और अब उपभोक्ताओं को राहत दी है, दरें नहीं बढ़ी, कर्ज भी नहीं लिया, सबको बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में मैं जा रहा हूँ और विषय मुझे पता नहीं। मुझे जानकारी नहीं है इस वक्त डिस्प्यूट क्या है सर। मतलब मुझे कहना है कि पिछले समय का मामला था, राज्यपाल ने उसमें बहुत कुछ कहा क्योंकि पिछले राज्यपाल ने पिछले राज्यपाल ने तो सीधा कहा था कि एक घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी करके, उसी आधार पे तो हम लोग किए और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। उनके बयान से लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि शायद ये राज्यपाल के आरक्षण में फैसला नहीं देने वाले। हम तो अपील करेंगे। चलो सभी उपभोक्ताओं को बधाई। देखो एक तरफ कर्ज भी नहीं लिए, दूसरे तरफ बिजली बिल भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो उपभोक्ताओं को, किसानों को, सबके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, थैंक यू।